नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंशुलि आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। बीजेपी ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सीएम रघुवर दास समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। संकल्प पत्र में किसानों के लिए कृषि और किसान कल्याण योजना, युवाओं के लिए सशक्त युवा समृद्ध प्रदेश योजना भी बताया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास और सबका साथ सबका विकास योजना सम्मिलित है। वन और पर्यावरण संरक्षण जैसे बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। घोषणा पत्र कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बीजेपी के लिए पवित्र ग्रंथ है। सीएम रघुवर दास ने घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए कहा, तो आज बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया है, जिसमें कई ऐसे बिंदुओं को लेकर इसमें घोषणा की गई है और इसका नाम संकल्प पत्र दिया गया है। और साफ तौर पर रघुवर दास ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा के लिए नहीं है, हमारे लिए ये संकल्प पत्र पवित्र है और जनता के लिए, जनता के विकास के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और इस संकल्प पत्र के साथ हम सबका साथ सबका विकास इन बिंदुओं पर केंद्रित रहेंगे। और इस वक्त जब घोषणा पत्र के साथ कई वरिष्ठ नेता, कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे, तो बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। मौके पर खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। वही हमारे साथ आरके सिंह ब्यूरो चीफ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आरके सिंह, आज घोषणा पत्र जारी किया, हालांकि संकल्प पत्र का नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या कुछ अगर अहम बिंदुओं की बात करें और पिछले बार की संकल्प पत्र में और इस बार में क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है? जी, आपसे बता देते हैं कि भाजपा ने अभी जो संकल्प पत्र जारी किया है जी, उसमें बीपीएल रेखा, गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग जीवन यापन करते हैं उनके लिए स्वरोजगार, रोजगार इत्यादि का व्यवस्था किया है। किसानों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करना। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप अपनी बात रखें। जी, 70 एकलव्य विद्यालयों का निर्माण करवाने का सरकार ने संकल्प पत्र में रखा है। जिला के जातीय विद्यालयों के लिए छात्रावास निर्माण कराएगा। जी, 5 वर्षों में सरकार विभिन्न कौशल कार्यों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 2 लाख 20 लाख युवाओं को नौकरी के लिए व्यवस्था किया है। आरके सिंह जी, अगर बात की जाए नौकरी की बात, ये तो पिछले संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की जारी किया था और ये विपक्ष का एक अहम मुद्दा भी रहा है चुनाव में, और खास तौर पर खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए एक तरीके से पवित्र ग्रंथ है। तो क्या आपको लगता है कि जो इस बार रोजगार की बातें कही जा रही है, क्या जनता भरोसा कर पाएगी? देखिए, जनता के भरोसे की जहां तक बात है, जनता का भरोसा अभी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पर से अभी लगभग उठ गया है एक तरह से माना जाए तो, क्योंकि अभी जो हम लोग माहौल देख रहे हैं जनता का, उससे ये लग रहा है कि बीजेपी पर से लोगों का भरोसा कम हुआ है। नक्सल प्रभावित को लेकर के भी बीजेपी ने बयान दिया था कि हम नक्सल प्रभावित झारखंड को हम पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिए, अब नक्सल यहाँ नहीं है। लेकिन पहले ही चरण के चुनाव में 2 जगह जो है सो नक्सल अटैक हुए, जिसमें काफी लोगों जैसे हताहत हुए। बिल्कुल आरके सिंह जी, कई ऐसे मुद्दे रहे जहां पर विफल रही है सरकार। अब देखना होगा क्या इस बार भरोसा दोबारा से जनता कर पाती है या नहीं, ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और विपक्षियों पर जमकर हमले किए। राम मंदिर पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 500 सालों के पश्चात यह अवसर आया है और आप सब बधाई के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश भगवान राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है, देवी देव महादेव की भूमि है। अभी 9 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लंबित मामले का समाधान कर दिया है और अयोध्या में केवल और केवल जय श्री राम होगा। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 को थोपा था, बाबा साहब धारा 370 का विरोध करते रहे लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। जब 67 सालों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए तो बाबा साहब का वास्तविक
सम्मान किया गया और कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की व्यवस्था दी कि धारा 370 जो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों की शरणगाह बन गई थी उसको हमेशा के लिए समाप्त करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार किया है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद इससे बड़ा साहस का कार्य किसी ने नहीं किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो कार्य गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया और जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में झारखंड के विकास के लिए श्री रघुवर दास जी ने किया है। इस दृश्य आज आप सबके चुनाव में आप सबका समर्थन प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन प्राप्त कर मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। ये क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, स्वाभाविक रूप से मेरी और आपकी समस्याएं समान है। हम एक दूसरे की समस्या को जानते भी हैं और उन समस्याओं को समाधान की ओर ले जाना भी जानते हैं। जब प्रदेश उत्तर प्रदेश और झारखंड में और दिल्ली में एक समान सरकार रहेगी तो समस्याओं का त्वरित समाधान भी होगा। एक जैसी समस्या है, भगवान बुद्ध ने यही कहा था कि दुख है और दुख का कारण भी है और जब कारण है तो उसका निवारण भी है। और भाइयों बहनों, हमने केवल दुख नहीं बोला है, हमने समस्या केवल बोला नहीं है, हम उसका समाधान भी चाहते हैं और उसका समाधान कोई निकालेगा तो भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, इसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। केवल भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान जानती है। आपने मोदी जी के 5.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है, आपने रघुवर दास जी के 5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। आप यहां बगल में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल को भी आप देख रहे होंगे। कोई समस्या हमने समस्या नहीं रहने दी। अगर समस्या समस्या रह जाती है सरकार के रहने के बाद भी तो सरकार सरकार नहीं होती है। और भाइयों बहनों, हमने उसी तर्ज पर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी निकाला है और आप सबका यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले गरीबों के घर, गरीबों के पास अपना मकान नहीं होता था। रघुवर दास जी आए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का सानिध्य मिला और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना में आवास मिलने प्रारंभ हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए निकला एक एक बच्चा आज जवान हो चुका होगा और वह आज इस बात से प्रफुल्लित हुआ होगा कि जब कभी उसके जीवन में अवसर आया कहेगा, कभी उसे हिसाब देना होगा कि भाई भगवान राम के मंदिर के लिए क्या किया है, कह सकेगा कि एक नेता मेरा भी गया था, एक जिला में लोग से ही गई थी। पूरा देश प्रफुल्लित है। जो लोग कहते थे कि अगर मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, वे सारे के सारे लोग गायब हो गए, कुछ नहीं हुआ। खून की नदियां बहाने वाले गायब हो गए, एक मच्छर भी नहीं मरा और अयोध्या में भगवान राम के भक्त मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया।
भाइयों बहनों, धैर्य और मर्यादा के साथ जिस लड़ाई को लड़ा जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार का सफल होता है। और वही मर्यादा का पाठ भगवान राम ने हम सबको पढ़ाया था। वही धैर्य जीवन में महत्वपूर्ण होता है। हम सब भगवान राम के अनुयायी हैं और भगवान राम ने भेदभाव से रहित, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने का कार्य आज से हजारों वर्ष पहले किया था। और जब हम झारखंड की धरती पर आए हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आए हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ओर से आप सबको मैं आमंत्रण देने के लिए भी आया हूँ कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाइए और अयोध्या और मथुरा का दर्शन करने के लिए आइए। बीजेपी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने थामा आजसू का दामन। विधायक रह चुके ताला मारंडी ने थामा है आजसू का दामन। मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान ताला मारंडी ने पार्टी की सदस्यता ली है। केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने ताला मारंडी को माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। आजसू पार्टी ही युवाओं को साथ लेकर चलती है। तो मारंडी की तरफ से ये बयान आया, तो लगातार झारखंड में चुनाव है, उसके पहले कई फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। कई जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी पार्टी, वो उसने अपना पार्टी के साथ दामन तोड़ लिया और नई तौर पर गठबंधन भी हो रहा है। तो ताला मारंडी ने आजसू का दामन थामा है और साथ ही झारखंड के विकास के दावे भी किए गए। तो मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सदस्यता ली। जमशेदपुर से बड़ी खबर की रुख करेंगे। पूर्वी विधानसभा के महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी ने किया है जनसंपर्क। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने लोगों से की है वोटों की अपील। प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने बिरसा नगर, बागनू हाथों, हरि मंदिर समेत कई क्षेत्रों में पद यात्रा की है। दौरान उन्होंने पद यात्रा कर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की है। तो पद यात्रा कर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ, और उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बोकारो से बड़ी खबर की ओर करेंगे। मंत्री अमर बावरी ने किया है नामांकन। चास एसटीओ कार्यालय में नामांकन किया गया है। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। जेम्स प्रिंस निवार्ची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन किया है। तो अमर बावरी ने नामांकन भरा है, बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा। साहिबगंज में बात करेंगे, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 26 नवंबर से अभ्यर्थी नामांकन कर सकते हैं। नामांकन आगामी 3 दिसंबर तक भरा जाएगा। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 5 बजे तक निर्धारित है। वहीं बोरियो एवं बरहेट विधानसभा क्षेत्र में मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया। साहिबगंज जिले में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के अंतर्गत मतदान 20 दिसंबर को होगा। बोकारो से बड़ी खबर बता दें, आईएम की पार्टी के उम्मीदवार ने पर्चा भरा। ओबीसी की पार्टी के उम्मीदवार मकसूद आलम सिद्दीकी ने बोकारो से पर्चा भरा। 4 एसटीओ कार्यालय में नामांकन किया गया। तो ओबीसी की पार्टी के उम्मीदवार ने भी पर्चा भरा है, 4 एसटीओ कार्यालय में नामांकन किया। मुंगेर की बात करें, जहां डीआईजी मनु महाराज द्वारा क्षेत्र में लगातार अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी द्वारा होने वाली कार्रवाई के दौरान मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र में गोबर प्लांट चलाने की आड़ में अवैध हथियारों के निर्माण कार्य का पर्दाफाश करते हुए
5 तस्करों और कारीगरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास एक पिस्टल, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल, 15 कारतूस और हथियार बनाने की भारी मात्रा में उपकरण को बरामद किया गया। डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि धरारा थाना क्षेत्र में गोबर प्लांट मालिक गुलाब द्वारा प्लांट के अंदर रहस्यमयी तरीके से अंडरग्राउंड मिनीगन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। डीआईजी को मिली सूचना के बाद स्पेशल टीम ने सुबह सुबह छापेमारी कर इसका पर्दाफाश किया। और नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल में धरारा थाना अंतर्गत पुलिस के द्वारा रेड की गई, जिसमें भारी मात्रा में निर्मित और निर्मित हथियार और कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। ये नक्सल एरिया पड़ता है और यहाँ से 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें मुख्य बात यही है कि एक व्यक्ति गुलाब सिंह नाम के, जो गोबर गैस प्लांट खोले हुए थे, उसी में वो हथियार का अपना जो है फैक्ट्री चला रहे थे। उनसे विशेष पूछताछ की जा रही है और आगे हम लोगों को कई सूत्र मिले हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ डीआईजी मनु महाराज जी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मनु जी, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, अब ये सख्ती बढ़ती गई है, जानना चाहेंगे क्या कुछ और इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, आखिर कैसे अवैध कारोबार पर रोक लगाया जाएगा? जी बिल्कुल, लगातार अभियान चल रहा है और जी हम लोगों के द्वारा लगातार गिरफ्तारी हो रही है, उद्भेदन हो रहा है और इसमें हम लोग इन जो केसेस हम लोग कर रहे हैं, इसमें स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए जो अवैध हथियार बेच रहे हैं जे। और कुछ लोग ऐसे जो है वो मुख्य धारा से भटक चुके हैं, उनको हम मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इन सब पे जो है हम लोग काबू कर पाएंगे और इस पे रोक लगेंगे। मनु जी, लगातार ये सराहनीय काम किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, लेकिन क्या अभी तक सरगना का कुछ पता चल पाया है? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सरगना जरूर रहा होगा, तो क्या इसके लिए भी कोई आप लोग रणनीति बना रहे हैं, उसके तहत कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा। और इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें 5 लोगों की हुई है, जिसमें एक सरगना है जो गोबर गैस का प्लांट की आड़ में ये सब कारोबार कर रहा था जी। और ऐसे कई लोग हैं जो जगह जगह पर इस तरह का कारोबार करते हैं, तो मुख्य अभियुक्त भी इसमें पकड़ा गया है, 5 लोग जो है वो भी पकड़े गए हैं जी। तो ये एक पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि जरूर है और आगे भी इसके तहत कदम उठाया जाएगा, उम्मीद यही करते हैं। न्यूज वन इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक में सरकार तो बन गई, लेकिन इस सरकार के बनने में जमकर सियासत हुई। इस खेल में जो तूफान खड़ा हुआ, उसमें दशकों से दोस्त बिछड़ गए और धीर विरोधी एक साथ आकर खड़े हो गए। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामा पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में जो तूफान खड़ा हुआ, उसमें दशकों के दोस्त बिछड़ गए और धुर विरोधी एक साथ आकर खड़े हो गए और बन गई सरकार। लेकिन क्या ये महज सत्ता और कुर्सी का लालच ही था, या इसके पीछे कोई था जो इस पूरे विवाद की पटकथा को रच रहा था? सियासत के अंक गणित का गुणा भाग ही कुछ ऐसा होता है कि समीकरणों के कई भूगोल बदल जाते हैं। महाराष्ट्र के सियासत का समीकरण आखिर कौन था जो लगातार साथ रहा था, वो भी पर्दे के पीछे से? किसके विसात पर बीजेपी के चाणक्य को शह और मात का सामना करना पड़ा? उस महाराष्ट्र की सियासत के समीकरण के उस असल चाणक्य के नाम को जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि ये वही शख्स है जिसने 2014 में बीजेपी की कमल को एक ऐतिहासिक जीत के साथ पूरे देश में खिलाया था, जिसके बाद बीजेपी का रथ ऐसा दौड़ा कि सब विपक्षियों के रथ धूल के गुबार में गायब होते गए। ये हैं सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में अब जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने को तैयार है, तो ये बात भी साफ है कि ये विजय है शिवसेना की, और सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सरकार ना बना पाने की असफलता बीजेपी की है। लेकिन इसमें प्रशांत किशोर की कितनी अहम भूमिका है, ये सवाल बेहद अहम है। ये पहली बार था जब ठाकरे परिवार से कोई चुनाव लड़ा और ठाकरे परिवार से कोई सीएम बने। दरअसल प्रशांत किशोर उद्धव ठाकरे को समझा पाने में कामयाब रहे थे कि अगर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है
तो बेहद जरूरी है कि ठाकरे परिवार चुनाव भी लड़े और मजबूती से सत्ता की कुर्सी की मांग भी करे। यही वजह है कि इस बार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़वाया गया। शिवसेना ने पूरी ताकत झोंक दी और आदित्य ठाकरे चुनाव जीत गए। जीत और संख्या बल से ज्यादा फायदे की बात ये हो चली थी कि बीजेपी के पास इस बार संख्या बल कम था और यहां से पलटा बीजेपी की किस्मत और शिवसेना को सत्ता तक पहुंचाने वाला पासा। यही वजह है कि बीजेपी को आने वाले बिहार के चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की रणनीति से डर लगने लगा है। बिहार में भले ही मौजूदा नीतीश सरकार बीजेपी के साथ में, लेकिन चुनावों के बाद भी बीजेपी और नीतीश की सरकार साथ रहेगी या बिहार में बीजेपी को कोई फायदा होगा, इसको लेकर चिंता की लकीरें अब बीजेपी के माथे पर साफ दिखने लगी हैं। उद्धव को दिखाए प्रशांत किशोर ने सपने। चर्चा तो यहां तक है कि प्रशांत किशोर ने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाया था, जिस वजह से शिवसेना ने 50-50 फॉर्मूले के तहत 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री के पद की मांग रख दी थी। इस मांग को बीजेपी ने नहीं माना। इस मुद्दे पर दोनों के करीब 25 साल पुराने गठबंधन और दोस्ती के रिश्ते रुक गए। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि प्रशांत किशोर के इस कदम का बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ना तय है। हारी बाजी को भी जीत लेते हैं पीके। प्रशांत किशोर देश की सियासत में पर्दे के पीछे रहकर भी कई बार बड़े बड़े बदलाव की वजह बन चुके हैं। लालू नीतीश को एक मंच पर लाकर भी प्रशांत किशोर ने अपना लोहा मनवा दिया था। इसके बाद पंजाब में कैप्टन की, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनाने के पीछे भी पीके का ही दिमाग था और उनकी ही चुनावी बिसाते थी। ऐसे में नॉन बीजेपी सीएम की बात करें तो प्रशांत किशोर अब तक नीतीश कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगन मोहन रेड्डी और अब उद्धव को सीएम बनाकर ये साबित कर देंगे कि सियासत की नब्ज को उनसे बेहतर शायद ही कोई समझता है। मौजूदा वक्त में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ हैं और डीएमके को भी प्रशांत किशोर की जरूरत है, इसलिए डीएमके की तरफ से भी पीके को संपर्क किया गया है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश की फिर सरकार बनवा सकते हैं, लेकिन ये सरकार नीतीश की बीजेपी के साथ होगी या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।